भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में एक चर्चित नेता हैं, जिनके बारे में जानने के लिए हर व्यक्ति उत्सुक रहता है। क्या आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी सैलरी मिलती है? चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी सैलरी मिलती है और रिटायरमेंट के बाद पीएम को क्या सुविधाएं मिलती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति का, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जानकारी में। 17 सितंबर को पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे देश का भार जिसके कंधों पर टिका हो उसकी सैलरी कितनी होगी? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी सैलरी मिलती है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन 2 लाख प्रति माह है, जिसमें उन्हें बेसिक सैलरी 1,60,000 रुपए मिलती है। इसके अलावा व्यय भत्ता 3,000 रुपए और सांसद भत्ता 45,000 रुपए मिलता है। साथ ही 2,000 के हिसाब से रोजाना भत्ता भी मिलता है, जो महीने 61,000 रुपए होता है। यह सभी मिलाकर 1,60,000 हो जाता है। प्रधानमंत्री को यह सैलरी वर्ष 2012 से मिल रही है। अब जानते हैं रिटायरमेंट के बाद पीएम को क्या सुविधाएं मिलती है। प्रधानमंत्री जब रिटायर हो जाते हैं या अपना पद छोड़ देते हैं तो उन्हें रहने के लिए आवास दिया जाता है। साथ ही 5 साल के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा, SPG कवर, साथ में कार्यालय व्यय और निजी सचिव भी दिए जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। 6 घरेलू स्तर के हवाई टिकट, पूरी तरह फ्री रेल यात्रा, आजीवन मुफ्त आवास, निशुल्क चिकित्सा सहायता, 5 साल तक ऑफिस का पूरा खर्च, 1 साल तक SPG सुरक्षा, जिंदगी भर के लिए मुफ्त बिजली और पानी, 5 साल के बाद एक निजी सहायक और पियोन, वायु और ट्रेन यात्रा, कार्यालय खर्च के लिए सालाना 6,000 रुपए। आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।